स्थानीय रायपुर रोड स्थित कबीर आश्रम में शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू, पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी व आश्रम के प्रमुख संत विचार साहेब ने सीसी रोड एवं फुटपाथ पेवर ब्लॉक सहित नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया, जिसकी लागत राशि 48,42,000 रुपए है। जानकारी के मुताबिक कबीर पंथ के इस प्रसिद्ध मंदिर में लगभग 410 मीटर क्षेत्र में 7 फीट चौड़ी सीसी रोड का निर्माण होगा। वहीं रोड के दोनों किनारे 1.5-1.5 फीट में पेवर्स बिछाने का काम किया जाएगा। वहीं पानी की समुचित निकासी व्यवस्था हेतु नाली का निर्माण भी होगा। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू ने कहा कि स्थानीय कबीर आश्रम की प्रसिद्धि प्रदेश सहित देश भर में है। कबीर जयंती सहित बाकी दिनों में भी कबीर अनुयायी बड़ी संख्या में यहां आते हैं और चिंतन मनन करते हैं। पक्का रोड व नाली की मांग पर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के अनुशंसा पर यह मांग स्वीकृत की गई है, जिसके लिए हम सभी क्षेत्रवासी उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आगामी दिनों में इस सुविधाओं का आश्रम में विस्तार हो जाने से संतों सहित आने जाने वाले अनुयायियों को भी राहत मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी ने कहा कि यह नगर के लिए गौरव की बात है कि कबीर आश्रम में सुविधा का विस्तार हो रहा है। इसके निर्माण से बाहर से आने वाले संतों व अनुयायियों को सुविधा मिलेगी। वहीं आश्रम में इतनी बड़ी राशि से सुविधाओं के विस्तार के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आश्रम के प्रमुख संत विचार साहब ने अपनी शुभाशीष प्रदान करते हुए सभी आतिथियों का सभी कबीर पंथियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष चतुर जगत, रायपुर जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष रतिराम साहू, पूर्व उपाध्यक्ष जीत सिंह, विधायक प्रतिनिधि रामा यादव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय, सभापति एवं पार्षदगण अनूप खरे, अजय साहू, मंगराज सोनकर, अजय कोचर, प्रसन्न शर्मा, लोकिन अर्जुन साहू, हेमंत साहनी, फागुराम देवांगन, जुगाबाई गिलहरे, संध्या राव, साधना बापना, शेखर साहू, रामरतन निषाद, सौरभ शर्मा, राजू सोनी, निर्माण यादव, रघु साहू, राजा चावला, फणेन्द्र साहू, संतोष कंसारी, द्वारिका साहू, विनोद कंडरा, राकेश सोनकर, मुश्ताक डेवर, सौरभ सोनी, राजकुमार शर्मा, हृदयराम साहू, सूरज साहू, मेघनाथ साहू, अहमद रजा, यशवंत साहू, सुरेश साहू, संजय मटवानी, एके निर्मल, राहुल थवानी, संतोष पवार सहित बड़ी संख्या में कबीर संस्था के संत जन मौजूद थे। DNX TV के लिए नवापारा राजिन से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ क्षेत्र विधायक धनेंद्र साहू जी यहाँ पर हैं। जी विधायक जी, बताइए आज किस काम से कबीर आश्रम में आना हुआ, इसके बारे में। आज हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कबीर संस्थान नवापारा में जो आज स्थित है जी। इस परिसर में सड़क और नाली निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन से लगभग 48 लाख रूपये की स्वीकृति हुई है जी। और जिसका निविदा भी हो गया है, एजेंसी भी तय हो गया है जी। और आज कार्य प्रारंभ के शुभारंभ के अवसर पर आज इसका भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ जी। जिसमें प्रमुख रूप से हमारी संस्था के अध्यक्ष पूजनीय श्री विचार साहेब जी रहे और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्री धनराज मध्यानी जी और साथ ही सभी हमारे पार्षदगण, सभापति और नगर के गणमान्य नागरिक सहित इस आश्रम के सभी संत महात्माओं की आशीर्वाद से इस कार्यक्रम की आज भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही यह निर्माण कार्य पूर्ण होगा और इसका लाभ आश्रम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। हमारे साथ स्थानीय कबीर आश्रम के संस्था प्रमुख यहाँ पर हैं विचार साहेब जी। जी साहेब जी, बताइए आज जो यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, इस संबंध में बताएंगे। हाँ, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सम्माननीय श्री धनेंद्र साहू जी नगर अध्यक्ष है और उनके सभी कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हैं जी। और भूमि पूजन के संपन्न करने हेतु, शिलान्यास करने हेतु सब पधारे हुए हैं जी। और जितने भी राशि यहाँ स्वीकृत हुई है जी। उनके तहत ही यहाँ सड़क और नाली का निर्माण होना है
ऐसी सुविधाएं मिलेंगी आप लोगों आश्रम में बनने? हाँ, हम लोगों को सुविधाएं मिलेगी। अभी जो चलने फिरने में थोड़ा सा अड़चन हो रहा है जी, इनके बन जाने से जी, और हमको भी तो होगा ही, आने वाले जो अतिथिगण हैं जी, उन लोगों को भी मिलेगा जी, इस आश्रम की ओर से। और ये सरकार की जो सहयोग राशि मिला है वो बहुत बहुत धन्य पात्र के योग्य है। ज्यादा तो हमारे सम्माननीय जो धनेन्द्र साहू जी है जी, वो हमारे सुख दुख में खड़े होते हैं, हम जब बुलाते तब आ जाते हैं। हमारी ओर से, संस्था की ओर से, संतों की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ कबीर आश्रम जो जिनके वार्ड में आता है पार्षद अजय साहू जी यहाँ पर हैं जी। बताइए अजय साहू जी, जो आज भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ आपके वार्ड में कबीर आश्रम में, इस संबंध में? मेरे लिए यह खुशी की बात है कि हमारे माननीय विधायक धनेन्द्र साहू जी ने जो 21 नंबर में सौगात दिया है वार्ड वासियों के नगर के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी जी यहाँ पर है जी। मध्यानी जी, आज जो भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ है इसके कबीर आश्रम में, इस संबंध में पूरी जानकारी बताएंगे। आज हमारे इस नवापारा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 के स्थित कबीर संस्थान में शासन की अधोसंरचना मद से 48,42,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक माननीय धनेन्द्र साहू जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। इस विकास के कार्यक्रमों में सबसे पहले यहां सीसी रोड नाली निर्माण और सीसी रोड के दोनों ओर पेवर्स ब्लॉक का लगना है। कुल मिलाकर 48,42,000 के विकास के कार्य इस संस्थान में होने हैं। मैं बताना चाहूंगा, इसकी कार्य अवधि 3 महीने है, लेकिन एजेंसी तय हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, बहुत ही जल्द यह विकास का जो कार्य है मुख्य कम समय में पूर्ण हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी इस टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं वो संस्था या क्षेत्र के विकास के लिए होते हैं, तो इस संस्था की आवश्यकताएं थी और शासन ने इस संस्था की आवश्यकताओं को समझते हुए मैं तो कहूंगा कि सम्मानित संतों के आशीर्वाद से, क्षेत्रीय विधायक माननीय धनेन्द्र साहू जी के प्रयास से यह विकास की सौगात इस संस्थान को मिली है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में और भी इस नवापारा नगर में ऐसे ही विकास के कार्य चलते रहेंगे, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं।